ये क्या कह रही हो शाजिया? अरे बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा तुम रो मत, शानी आता ना मैं बात करती हूँ उससे। अच्छा ठीक है। अम्मा अम्मा भूख बहुत लगी है यार, खाना लगा दो फौरन। फौरन जो हरकतें तुम करते फिर रहे हो ना, जूता ही खाएगा मेरे हाथों। अरे आज का दिन ही बुरा है यार, अब क्या कर दिया मैंने। अरे शादिया सुबह से फोन कर रही है, उठा क्यों नहीं रहा था? यार अम्मा बिजी था, अब इतनी सी बात पे जूते खिलाओगी तुम मुझे? हद होती है वैसे। हट जा मेरे सामने ना, एक्टिंग मत करना, ड्रामेबाज बनो मत। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ, क्या हरकतें करता फिर रहे तू? अरे तेरी हरकतें सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई, मर ही जाते तो अच्छा था। अरे 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 माँ 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 क्या हो गया, क्या गलती कर दी मैंने, बताओ तो सही। अरे गलती तूने नहीं हमने की है, जो तेरे जैसे चोर को पाला है हमने। अरे अरे मेरी किस्मत फूटी जो तुम जैसे बच्चे को पैदा किया मैंने। अरे कहीं एक मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा शानी तूने। अम्मा अरे तूने क्या किया कमीने, क्या किया तूने? शाजिया जी अम्मी, तुमने अपने माँ बाप को फोन करके बताया है कि उनका बेटा क्या हरकतें करता फिर रहा है, और वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? देखो शाजिया, अगर वो लोग यहाँ नहीं आए ना तो मैं खुद उनके घर पे पहुंच जाऊंगी और बताऊंगी कि उनका बेटा कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। अम्मी वो अम्मी ने मुझसे कहा है कि वो शानी से बात करेंगी। लेकिन वो बात करे या ना करे, लेकिन अब मैं वसीम को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अम्मी प्लीज वसीम को कुछ मत बताइएगा, अम्मी ने मुझसे कहा है वो शानी को लेकर बस आती होंगी, आप प्लीज एक दफा उनकी बात सुन लें। लगता है अम्मी और शानी आ गए। अम्मी प्लीज आप बैठे, बैठ के बात करते हैं। हम इतना सब कुछ हो गया, आप कम से कम मुझे कॉल करके बता तो सकते थे। बेटा मैं तुम्हें क्या फोन करता, उस वक्त तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उस बदतमीज शानी ने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया, इसी जहालत दिखाई कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी उम्र का लिहाज भी नहीं किया। हम ऐसे लोग बड़ों का अदब और लिहाज कहाँ करते हैं। अब सोचता हूँ कि काश एक बेटा होता तो कम से कम उस वक्त ढाल बन के मेरे सामने खड़ा हो जाता। शानी की हिम्मत नहीं होती कि वो मुझ पर हाथ उठाता। वैसे तो मेरी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, लेकिन इस जालिम माशरे में बेटे की जरूरत पड़ ही जाती है। हम क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? सारे बेटा मैंने कहा ना, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो तो भला उस फरिश्ता सिफत इंसान का जो वक्त पर आ गया। चलो शुक्र है ये घर कोई भला इंसान ही खरीद रहा है, शुक्र है। हाँ कमाल साहब ने कहा है कि हम जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं। उन्होंने जब से बाबा से बात किया, बाबा बहुत मुतमईन है।
ये चेन मैंने दी थी रीवा को। देखा भाभी, मैं सच बोल रही थी, ये लॉकेट शानी ने ही मुझे दिया था। दरअसल ये लॉकेट मैंने एक दुकानदार से खरीदा, गलती ये हो गई। उसने उसने कहा था कि रसीद नहीं है इसकी, पर मैंने सोचा सस्ता है तो ले लेता हूं। अब देखे ना खाला, अब सोने की चीज है आज के दौर में इतनी सस्ती। मैंने सोचा अरे छोड़ो, रसीद को कौन पूछता है, ले लेते हैं। मुझे क्या पता था कि ये लॉकेट चोरी का निकलेगा। अगर दुकानदार ने साफ साफ कह दिया था कि इसकी रसीद नहीं है तो तुम्हें खरीदने की क्या जरूरत थी शानी? अरे वो ही तो गलती हो गई, बस सस्ता समझ के उठा लिया। खाला देखिए, खाला अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं, मैं आपको ज्वेलर के पास ले सकूंगा। उस पे तो भरोसा करेंगी ना। अब मैंने झूठ बोला ही नहीं है तो डर किस बात का मुझे, है ना? यकीन मानिए, अगर इस वक्त दुकान खुली होती ना, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, मैं अभी ले चलता आप, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुबह ले जाऊंगा आपको। अगर आपको मेरी बात पे अब भी यकीन नहीं है तो क्या कह सकता हूं मैं भी इस घर का होने वाला दामाद। और मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा किरदार आपकी नजर में मशकूक हो, है ना अम्मी? मैं तो चाहूंगा कि जैसे वसीम भाई को इज्जत मिलती है वैसे ही मुझे इज्जत मिले। एक मोहब्बत ही तो है जो मिलती है मुझे इस घर से। मेरे लिए इस घर में सबसे कीमती चीज आप लोगों की दी हुई इज्जत ही तो है। मैं कल सुबह आपको ज्वेलर के पास ले जाऊंगा, ठीक है? चले अम्मी, मैं बाहर बाइक पर वेट कर रहा हूँ। रुको शानी, बैठो। बता दें मुझे कब आना है, कितने बजे आना है, बताइए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो शानी बेटा, चोरी का माल खरीदना बहुत गलत बात है, और सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में तुम किसी और मसले में ना फंस जाओ, और कोई मुसीबत तुम्हारे गले पड़ सकती है बेटा। जी। क्यों सफिया बहन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी जी अब्दा बहन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरे कहे सुने का बुरा मत मानना बेटा, तुम मेरे होने वाले दामाद हो, मुझे तुम्हारी फिकर है इसलिए समझा रही हूँ। अरीबा बेटा, ये लोग इतनी देर से आके बैठे हुए हैं, चाय वगैरह तो लेकर आओ। जी। बल्कि नहीं, खाने का टाइम हो गया है, तुम खाना ही लगाओ सीधा। अरे नहीं नहीं आपदा बहन, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो खाना खाकर आई थी। हाँ, इसे नहीं खाने दिया था, चाहो तो अपने दामाद को खिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर खाना खा के ही जाएगा ये। बघारे बैंगन बना लीजिए।